बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2018 के लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है। सवाल है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? डिटरमिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक विद द हेल्प ऑफ सेल डायग्राम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तारीफ लिखेंगे, ये हेडिंग बाद में आएगी। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन मेटल, ठीक है, जिंक मेटल है और सॉल्यूशन जो हम लेंगे उसके सॉल्ट का, तो उसके और इस मेटल के दरमियान में जो पोटेंशियल क्रिएट हो जाए तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या ये तारीफ याद करें या ये करें, द मेजर ऑफ टेंडेंसी एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड पर, किसी भी इलेक्ट्रोड पर या इलेक्ट्रॉन गेन हो या इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो इसको कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको जाहिर करते हैं ई पावर ज़ीरो। अब सवाल में जो पूछे कि डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो इन ऑर्डर टू डिटर्मिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक अ वोल्टिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड। तो हम एक वोल्टिक सेल बनाते हैं जो आगे आ रहा है, विच कंसिस्ट ऑफ जिंक, ये जिंक पर मुश्तमिल होता है, और हाइड्रोजन पर, एक इलेक्ट्रोड जिंक का दूसरा हाइड्रोजन का। सॉल्ट ब्रिज इज मेड ऑफ KCl, पोटाशियम क्लोराइड जेली विच कम्प्लीट द सर्किट। जिंक में और हाइड्रोजन के दरमियान में ये सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है जो कि सर्किट को कंप्लीट करता है। हाफ सेल उस कंप्लीट सर्किट बिटवीन हाफ सेल एंड प्रिवेंट, और ये प्रिवेंट करेगा, ये जो ब्रिज हमने लगाया होता है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मिक्स होने से ये रोकेगा। अब सपोज रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की जो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का एक हाइड्रोजन का, तो उस पर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। जिंक दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जेड एन प्लस बनेगा, और दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, ये ऑक्सीडेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करेगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए, यहाँ पे कम थे यहाँ पे ज़्यादा थे, तो बैलेंस करने के लिए टू इलेक्ट्रॉन डाले। वोल्टेज ऑफ सेल, पोटेंशियोमीटर गिव्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल विच इज़ 0.76 वोल्ट्स। तो ये रीडिंग इतना देता है पोटेंशियोमीटर, ये वोल्टेज ऑफ सेल हमें बताता है इतना है। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड साइन ऑफ वोल्टेज, डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेट बाय वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हमें डायरेक्शन ऑफ करंट लगता है जो कि जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। इट्स मीन द सेल वोल्टेज इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड की जो सेल वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। जिंक जो है, हाइड्रोजन जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, तो ये हम इसको मानते हुए चलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का इस फार्मूले से देंगे, यानी जो टोटल सेल है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हुआ है, टोटल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर इन दोनों के प्लस करने से आएगा। ये हमें 0.75 सेल का यहाँ पे दे देता है पोटेंशियोमीटर, और ऑक्सीडेशन जो है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमने देखा है जिंक का और जिंक पॉजिटिव का हो रहा है, तो जेड एन डिवाइड बाई जेड एन प्लस प्लस टू, प्लस प्लस दो प्लस लगा दे या प्लस टू लगा दे एक ही बात है। और रिडक्शन जो है वो हाइड्रोजन का हो रहा है, तो हमने लिखा 2HH डिवाइड बाय H2। इसकी जो कीमत है वो हमने डाल दी, इसकी मालूम करनी है, तो ये ऐसे ही रहा, और इसकी ज़ीरो होती है तो यह ज़ीरो पुट कर दी, और करके लिखा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही नंबर आएगा, साइड चेंज कर दिए, प्लस 0.76 आ जाएगा, साथ में वोल्ट लिख देंगे।
अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना होगा, तो ई नॉट ई की पावर जीरो यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन ऑक्सीडेशन। तो ई नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस आया, इसकी कीमत 0.76 थी, वो डाल दी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन जो होगी वो 0.76 होगी।